हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से ISO ट्यूटोरियल में। और आज GFSAI के मॉड्यूल में पार्ट टू में हम चर्चा करेंगे कि FSSC वर्जन 4 पार्ट टू की रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप GFSAI स्कीम को जानते हैं, FSSC 22000 इस स्कीम का एक बहुत बड़ा पार्ट है, और उस पार्ट के अंतर्गत ISO 22000 2018 सेक्टर PRPs और वर्ज़न 4 की एडिशनल रिक्वायरमेंट, जो कि 9 रिक्वायरमेंट हैं टोटल, वो आती हैं। तो आज के वीडियो में उन 9 रिक्वायरमेंट की चर्चा करेंगे। पार्ट टू की रिक्वायरमेंट में सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज, फिर प्रोडक्ट की लेबलिंग, फूड डिफेंस, फूड फ्रॉड प्रिवेंशन, लोगो यूज़, FSSC का लोगो यूज़, मैनेजमेंट ऑफ एलर्जन मटेरियल्स और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि कैटेगरी ए के होते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज से मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन इन फूड चेन शैल इंश्योर दैट ऑल सर्विसेज दैट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन फूड सेफ्टी मस्ट हैव स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स विच आर रेगुलरली रिव्यूड। आप अपने मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में फूड चेन के माध्यम से कोई भी काम अगर करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए प्रॉपर हजार्ड कंट्रोल प्लान आपके लिए आवश्यक है। आपको कोई भी काम अगर करना है, सिविल का काम करना है, मेंटेनेंस करना है, क्लीनिंग करना है, आप किसी भी मॉड्यूल में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेपरेट हजार्ड कंट्रोल प्लान आवश्यक है। हजार्ड कंट्रोल प्लान की प्लानिंग करनी चाहिए पहले। सबसे पहले उसका असेसमेंट होगा। असेसमेंट करने के बाद में आप उसकी कैटेगरी डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के बाद में करेक्टिव एक्शंस लेके उसके लिए कंट्रोल पॉइंट बनाएंगे, और फिर रेगुलर बेसिस पे उनकी मॉनिटरिंग होगी। वेरिफिकेशन मॉड्यूल से वेरीफाई करके वो प्लान पूरी तरीके से अप्रूव हो जाएगा। तो बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज में यही सारी बातें हैं कि आप फूड सेफ्टी के इम्पैक्ट को, जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन में फूड सेफ्टी अगर आपके में अपडेटेड है, तो उस रिक्वायरमेंट में क्या ये सारी सेक्टर PRPs, ये सारे कंट्रोल मॉड्यूल, ये सारे प्लान हैं या नहीं है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि फूड सेफ्टी आर असेस्ड एंड अप्रूव्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग कंप्लायंस विद स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट भी हैं जो कि आप उनको पहले से ही अपडेट रखे हैं, तो PRP के साथ में वो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट भी आपको लगानी है अपने सेक्टर में। फूड सेफ्टी आर मॉनिटर टू इंश्योर कंटिन्यूड सर्विस प्रोवाइडर अप्रूवल स्टेटस। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सटर्नल सर्विस आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू किए हुए हैं और उसका प्रॉपर अप्रूवल आपके पास नहीं है। तो अप्रूवल अगर नहीं होगा उस कैटेगरी की रेंज के हिसाब से, तब भी सिस्टम गलत हो सकता है। इसमें एक बात और है, द सर्विसेज रेफर्ड टू इन अबव शैल इंक्लूड एटलीस्ट यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, मेंटेनेंस, आउटसोर्स सर्विसेज और क्लीनिंग। आपके पास जो PRP के मॉड्यूल्स हैं, उनमें सबसे ज़रूरी है कि आपके पास में यूटिलिटीज़ का, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का, मेंटेनेंस का और क्लीनिंग का, इन सारी बातों के लिए आपके पास में प्रॉपर हजार्ड का असेसमेंट होना आवश्यक है। दूसरी बात आती है प्रोडक्ट की लेबलिंग की। ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसकी प्रॉपर लेबलिंग होती है, लेकिन प्रॉपर लेबलिंग होगी रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से, वहाँ के उस स्पेसिफाइड कंट्री के, उस स्पेसिफाइड स्टेट के लेजिस्लेशन के हिसाब से, जो कि बेसिकली उस कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री में सेल के लिए इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज़ है, तो वहाँ के लॉ उसमें एप्लीकेबल होने आवश्यक हैं। अब बात आती है फूड डिफेंस प्लान की। देखिए, फूड डिफेंस प्लान इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। जब से FSSC 22000 लॉन्च हुआ है, तब से फूड डिफेंस प्लान के अलग अलग मॉड्यूल की चर्चा होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रेट असेसमेंट प्रोसीजर इन प्लेस दैट आइडेंटिफाइड पोटेंशियल थ्रेट। सबसे पहले तो पोटेंशियल थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारे प्रोडक्ट के लिए पोटेंशियल थ्रेट है क्या क्या। उसके बाद डेवलप करना है उनका कंट्रोल मेजर। अगर थ्रेट है भी, तो हमारे पास उसका क्या कंट्रोल है।
और उसके बाद उनको प्रायोरिटाइज करना है अगेंस्ट द आइडेंटिफाइड थ्रेट्स। जो भी थ्रेट आइडेंटिफाइड हुआ है उनको आप कैटेगरी बनाएं और प्रायोरिटाइज करें कि हमारे लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके लिए कंट्रोल मेजर आपको लगाना है। टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स द ऑर्गेनाइजेशन शैल एसेस द ससेप्टिबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट टू पोटेंशियल फूड डिफेंस एक्ट। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई भी प्रोडक्ट जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए आइडेंटिफाइड तो कुछ चीज़ें हो गई, लेकिन आपने उसकी संवेदनशीलता को नहीं पहचाना, तो ये आपके फूड डिफेंस प्लान की कैटेगरी को हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए संवेदनशीलता के आधार पे उस पूरे फूड डिफेंस के एक्ट और प्लान को आपको आइडेंटिफाइड करना है। कंट्रोल के लिए आपको थ्रेट असेसमेंट करने के लिए आपको इफेक्टिव मॉड्यूल डेवलप करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन शैल पुट इन प्लेस एप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर टू रिड्यूस और एलिमिनेट द आइडेंटिफाइड थ्रेट्स। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल तरीके से गेट पे एंट्री होती है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ आपके प्लांट में या ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करते हैं उनका प्रॉपरली मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, उनकी प्रॉपर चेकिंग नहीं होती, तो ये भी एक थ्रेट क्रिएट करेगा। प्लानिंग किस तरह की होगी? 3.2 पार्ट में ऑल पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स आर इंक्लूडेड इन ए फूड डिफेंस प्लान सपोर्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ऑल इट्स प्रोडक्ट। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रन कर रहा है, चला रहा है, तो उसके साथ में फूड डिफेंस का प्लान उसको लेना है, मतलब उसको क्रिएट करना है, और वो सपोर्ट करेगा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को। जैसे कि दो अगर इसमें बात की जाए, एक VACCP प्लान और एक TACCP प्लान, मतलब वल्नरेबिलिटी के लिए और दूसरा थ्रेट के लिए, तो ये दोनों प्लान कंप्लाई कराने पड़ेंगे सिस्टम के अकॉर्डिंग, और तब ये सिस्टम फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोप्रिएट होगा। दूसरी बात यह है कि आपका जो प्लान होगा वो आपके लेजिस्लेशंस के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। इसके क्लॉज नंबर 4 में फूड फ्रॉड का प्रिवेंशन, फूड फ्रॉड के प्रिवेंशन में सबसे पहले आता है 4.1 वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट। ऑर्गेनाइजेशन शैल हैव ए डॉक्यूमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट प्रोसीजर इन प्लेस दैट आइडेंटिफाइड पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज डेवलप्स कंट्रोल मेजर एंड प्रायोरिटाइज देम अगेंस्ट द आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज। थ्री पॉइंट टू प्लान के हिसाब से अगर आप देखें तो लीगल रिक्वायरमेंट है, कुछ गवर्नमेंट के कंप्लाइंस है, जैसे कि FSSAI की कुछ रिक्वायरमेंट अगर हैं तो वो रिक्वायरमेंट, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रिकॉर्ड्स, ये सब फूड डिफेंस प्लान का एक पार्ट होंगे। द प्लान शैल कंप्लाई विद एप्लीकेबल लेजिस्लेशन। कंट्रोल मेजर में अगर बात करें 4.2 में, तो ऑर्गेनाइजेशन शैल पुट इन द प्लेस एप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर लाइक वॉचमैन, लॉक एंड की सिस्टम, पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन, आधार रजिस्ट्रेशन और CCTV मॉनिटरिंग, ये सब एक कंट्रोल मेजरिंग के पार्ट हैं, तो इनको इफेक्टिव तरीके से अपने मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन में लागू करना होता है। अब बात आती है लोगो यूज की। सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन आर एंटाइटल्ड टू यूज द FSSAI 22000 लोगो। जब ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड हो जाता है तो वो FSSAI 22000 का लोगो यूज कर सकता है, बट द FSSAI 22000 लोगो मे बी यूज्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन प्रिंटिंग मैटर, वेबसाइट एंड अदर प्रोमोशनल मटेरियल सब्जेक्ट टू द डिजाइन स्पेसिफिकेशन एज लेड डाउन इन पार्ट 2। लोगो शैल नॉट बी यूज फॉर प्रोडक्ट। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, उसकी पर्टिकुलर लेबलिंग के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, उसकी पैकेजिंग के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, एंड इन एनी अदर मटेरियल दैट इम्प्लाइज विद FSSAI 22000 अप्रूव्स ए प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस, उसके लिए भी आप यूज़ नहीं कर सकते। IS 22003 की कैटेगरी के हिसाब से CIK जो कैटेगरी है उसमें मैनेजमेंट है एलर्जेंस का, तो उसके लिए क्या करना है? ए डॉक्यूमेंटेड एलर्जन मैनेजमेंट प्लान
shall be in the place that includes risk assessment for potential allergen cross contamination, control measure to reduce or eliminate the risk of cross contamination, validation and verification of effective implementation. मतलब कि एक documented allergen control management plan आपके पास होना आवश्यक है. इसके लिए risk assessment करना होगा potential hazard के लिए और control measures लगाने होंगे और उसका timely frequency base पे validation और verification करना होगा. All finished product intentionally or potentially containing allergenic materials are labeled according to the allergen labeling regulation in the country. जिस कंट्री में manufactured हुआ है कोई भी allergen containing material, उस पर लेबलिंग प्रॉपर रूप से होनी आवश्यक है. एनवायरमेंटल की मॉनिटरिंग. द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट एन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम इज इन प्लेस टू वेरीफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लीनिंग एंड सैनिटेशन प्रोग्राम्स विच शैल मीट द वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 22000. ये फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए जो सब कैटेगरी डी में है, तो पेट फूड फॉर डॉग्स एंड कैट्स ओनली मीन्स कि कंपाउंडेड पेट फूड फॉर डॉग एंड कैट शैल बी फॉर्मुलेटेड इन द मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद द इंटेंडेड यूज ऑफ द प्रोडक्ट. साफ साफ डिक्लेरेशन में देना होगा कि ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट किस पेट के लिए मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, इसका इंटेंडेड यूज और पर्पज भी उसमें शो करना होगा. फॉर्मुलेशन प्रोसीजर्स और जिस सिस्टम के हिसाब से उनको बनाया जा रहा है वो इंग्रेडिएंट की कैटेगरी भी उसमें लिखनी आवश्यक हो जाएगी, जिससे कि एनिमल या उससे रिलेट करते ह्यूमंस में वो हेल्थ पे इम्पैक्ट ना डाल सके या वो अवेयर कर सके. मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस जो कि कैटेगरी ए के लिए है केवल, जिसमें कि एनिमल फार्म्स जो आते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन शैल आइडेंटिफाई द रिस्क इट एक्सपोजेस फ्रॉम एनिमल प्रोडक्शन टू बोथ एनिमल हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ. Assess the hazard that expose these risk derived from and farm used natural resources, जैसे कि water and soil. To include water from animals, water for irrigation, on farm feed production, for own animals, तो इसके लिए hazard का proper assessment होना आवश्यक हो जाता है. Put in place appropriate control measure to protect public and animal health. तो ये सभी system अगर आप लगाएंगे तो जब सिस्टम ये रन करेगा तो प्रॉपर रूप से कंट्रोल मेजर अप्लाई करने के बाद ही ये हो पाएगा. थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का. पार्ट 3 FSSC का जब आएगा तो उसमें PRPs के मॉड्यूल की चर्चा होगी और एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि FSSC के मॉड्यूल पे किस तरह से काम करना है, किस तरह से चेकलिस्ट और फंक्शंस को लॉन्च करना है. धन्यवाद.